सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तों स्वागत। दोस्तों अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया का कैश डिपॉजिट स्लिप कैसे भरते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह बैंक ऑफ इंडिया का कैश डिपॉजिट स्लिप है। आप बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप पैसे जमा कराने जा रहे हो उस ब्रांच का यहाँ आपको नेम लिख देना है। आप जिस दिन पैसे जमा कराने जाओगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। आप सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करा रहे हो तो यहाँ आपको सेविंग अकाउंट पे टिक कर देना है। अकाउंट जिस नेम से है वो नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। आप जिस अकाउंट में पैसे जमा कराने जा रहे हो उस अकाउंट का यहाँ अकाउंट नंबर लिख देना होगा। आप जितने पैसे जमा कराने जा रहे हो उस राशि को यहाँ लिख देना है और टोटल राशि यहाँ आपको लिख देनी होगी। यहाँ जो है उस राशि को वर्ड्स में आपको यहाँ लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फुल नेम। आप जिस अकाउंट में पैसे जमा कराने जा रहे हो वो अकाउंट जिस नेम से है वो नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। आप जिस बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप पैसे जमा कराने जा रहे हो उस ब्रांच का यहाँ आपको नेम लिख देना है। जिस अकाउंट में आप पैसे जमा कराने जा रहे हो उस अकाउंट का यहाँ अकाउंट नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। जिस दिन आप पैसे जमा कराने जा रहे हो उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट विद, यानी कि आप जिस अकाउंट में पैसे जमा कराने जा रहे हैं वो अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के किस ब्रांच से है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। यदि आप 50,000 रुपये से ज़्यादा की राशि अकाउंट में जमा करा रहे हैं तो यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, आप जो भी नोट जमा करा रहे हो उन नोटों के सामने उस नोट की संख्या लिखनी होगी। उस नोटों की संख्या लिख देने के बाद उसका कितना अमाउंट बन रहा है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप जब नीचे आएंगे और टोटल अमाउंट क्या बन रहा है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रुपीज़। आप जो भी राशि जमा करा रहे हो उस राशि को यहाँ आपको वर्ड्स में लिख देना होगा। और यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, जो पैसे जमा कराने जा रहा है बैंक में उसके सिग्नेचर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस कैश डिपॉजिट स्लिप में और कुछ नहीं भरना है। आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो आई हो पसंद तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।